लेट्स एक्सप्लोर कोरिया कोरिया कोरिया। टेस्ट वाइन रोटी बना के देखी। बहुत भारी हो गया बिकॉज इस बैग में ज़्यादा सामान आता नहीं है। लेट्स गो। मैं रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए। दो दो हाथ यूज करके आई एम ओके। दिस इज ओके। व्हाट द हेल इज हैपनिंग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन में। अभी सो के उठी और बिल्कुल मन नहीं कर रहा यार उठने का, और जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बिकॉज़ इट इज़ ओनली टिल 10:30। और रात को यार नींद ही नहीं आ रही थी। रात को मैं कोई 4 बजे सोई हूँ आई थिंक, और फिर मैंने 8 बजे का अलार्म लगाया था ये सोच के कि ब्रेकफास्ट करने जाना है, बट वो भी बार बार स्नूज कर करके फाइनली 9 बजे उठी हूँ। तो लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट यार। गाइज़, यहाँ हम ब्रेकफास्ट करने पहुँच गए थे, बट कौन सी चीज़ क्या है ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन हमने स्टाफ की हेल्प ली कि प्लीज़ आप हमें बता दीजिए कि इनमें से कौन सी चीज़ें वेजिटेरियन हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ के लोग इतने स्वीट हैं। ये लेडी स्टाफ जो थी, इनका ड्यूटी बाहर लगा था, मीन्स काउंटर पे जहाँ पे वो लोग रूम नंबर्स लिख रहे थे, बट शी केम इनसाइड एंड शी वॉज हेल्पिंग अस यार। सो गाइज, दिस वॉज द फर्स्ट थिंग विच आई टुक। मेरी बहन 2 दिन में वियतनाम में सीख गई थी, पता है। सो दिस वॉज माई प्लेट गाइज, एंड मुझसे खाया नहीं गया तो मेरी कॉलीग थी जिसे वो बहुत पसंद था, तो शी टुक इट फ्रॉम माई प्लेट। ओह माय गॉड, मेरे स्मेल से कुछ हो रहा है। ये मीठा क्यों था यार, बहुत अजीब सा टेस्ट है। मैं तो कल टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट पे आके। मुझे लगता है कि मैं यहाँ कुछ एप्पल, जैसे मैंने ऑरेंज और ये लिए थे ना, मैं वैसे ही ले लूँ। ऑरेंज टेस्टी थे, इंग्लिश फ्रूट्स लगना चाहिए यार इनको। दो दो हाथ यूज करके आई एम सो गाइस, अभी आपने सुना होगा कि मैं किमची की बात कर रही थी, तो ये थी किमची, और बेसिकली ये कैबेज का अचार काइंड ऑफ समझ लो। और मैं इसको टेस्ट करने के लिए इतनी एक्साइटेड थी ना, लेकिन मेरा एक्सप्रेशन देख के तो आप समझ ही गए होंगे। पर मुझे किसी ने बोला यू ओनली गेट स्किन केयर ओवर देयर। ताजा
मेरा किसने खाया है? मुझे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने नहीं खा लिया, मुझे अच्छा लगेगा ये सुन के कि मैंने कुछ। सो ईट विद राइस। राइस तो आई डिडंट लाइक इट एंड देन गाइज फाइनली मैंने हाथ जोड़ लिए और मैंने सोचा और कुछ नहीं ट्राई करने की हिम्मत है मेरे में, बस और नहीं खा सकती मैं पूरा दिन है अभी ब्रो। सो लकीली वी गॉट दिस जूस, बट वो टेस्ट मेरे जहन से जा ही नहीं रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी उठी और मैंने अपने साथ ये योगर्ट कैरी कर लिया कि रूम में जाके खा लूँगी। गाइज आई वॉज सो एक्साइटेड कि ठीक है कुछ तो अच्छा खाने के लिए मिल जाएगा, प्लस आई विल ट्राई दैट व्हाट यू कॉल चॉपस्टिक, बट कुछ भी खाना अच्छा नहीं था लिटरली। मेरे जहन में अभी वो ऐसा फीलिंग हो रही है एंड बिल्कुल पेट नहीं भरा, आई कुड नॉट इवन फाइंड फ्रूट्स। बाद में जाके जूस मिला बट उसके लिए भी इट वॉज क्लोज, हमें बोला गया था कि 10:30 पे क्लोज होगा, 10 बजे ही बंद कर दिया, बट फिर एक क्रू ने रिक्वेस्ट किया तो उसके चक्कर में मुझे भी थोड़ा सा जूस मिल गया। बट आई डोंट नो यार, अगली बार मैं कोरिया आऊँगी तो मैं घर से ना 2 दिन का सामान लेके आऊँगी, सीरियसली बोल रही हूँ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों, इट इज़ सो bad, so bad. Kim, I have uska number. Shweta, Arto, when's the Shweta? Arto. अच्छा हाँ हाँ, तो मैं पूछना है, is she going for that thing? Hanbo. Hanbo. हाँ. Because I'm not able to call on her room. सो गाइज ब्रेकफास्ट करने के बाद, थोड़ा सा योगर्ट खाने के बाद, अच्छी सी प्रॉपर थोड़ी सी नींद लेने के बाद, नहाने के बाद मैं अभी आपको थोड़ी फ्रेश दिख रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर एंड आई वॉज कन्फ्यूज कि मैं इन दोनों ड्रेसेस में से कौन सी पहनूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि दोनों में से कौन सी अच्छी है। फिलहाल मैंने जो पहनी है वो तो आपको पता ही है एंड आई एम गेटिंग लेट, तो मैं आपको पूरा गेट रेडी विद मी तो नहीं बता सकती, इसलिए थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया है मैंने। तो चलो वो वाली क्लिप्स आप इन्जॉय कीजिए। गाइज आप हमेशा मेरे साथ स्किन केयर की बात करते रहते हो, तो अगर आपको स्किन अच्छी रखनी है तो सबसे पहले तो खूब सारा, ढेर सारा पानी अपनी रूटीन में ऐड कीजिए। सच बताऊँ तो मैं खुद भी बहुत बार भूल जाती हूँ यार पानी पीना, स्पेशली लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में, और फिर सडनली याद आता है कि अरे पूरे दिन में आज मैंने एक घूंट पानी भी नहीं पिया। और देखते ही देखते आप सब क्यूट लोगों से बात करते करते मैं रेडी भी हो गई। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में, और हाँ मुझे जो कमेंट सबसे प्यारा और सबसे यूनिक लगेगा उसको मैं नेक्स्ट व्लॉग में शाउट आउट दूंगी। और बाहर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, आई जस्ट होप कि बारिश ना हो। हाय गाइस, अ क्विक अपडेट, सो मैं रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए। आई एम सॉरी कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, और कुछ भी नहीं शूट किया बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग। एंड अभी फिलहाल निकलते हैं और लेट्स एक्सप्लोर कोरिया विद मी, लेट्स गो। सो आई जस्ट नीड टू टेक दिस बैग, बहुत भारी हो गया बिकॉज इस बैग में ज़्यादा सामान आता नहीं है, एंड आई हैव टेकन वाटर बॉटल, एक शायद जूस या कुछ है मेरे पास वो लिया है, एंड अ बिस्किट। सो लेट्स गो। गाइज आई एम ऑन 6th floor एंड मुझे जाना है 5th floor पर, यहाँ की सिक्योरिटी, आई एम नॉट एबल टू गो, आई डोंट थिंक कि मैं जा पाऊँगी 5th floor पर। गाइज मेरा रूम है 6th floor पे और मेरी जो फ्रेंड है जिसके रूम में मुझे जाना है, जिसके साथ मैं बाहर जा रही हूँ, उसका है 5th floor पे, बट आई एम नॉट एबल टू गो ऑन 5th floor। ऑल्सो मैं लिफ्ट नीचे जाने के लिए चूज़ की थी और आई डोंट नो ये लिफ्ट रुक ही नहीं रही है और ऊपर जाई जा रही है, जाई जा रही है। भाई साहब क्या चल रहा है यार ये।